जानकारी मिल रही है कि आबे पर हमले के बाद चीन लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है और शिंजो जब पीएम थे तब भी लोगों में नाराजगी थी। ये बात चीन की तरफ से कही गई है। आबे की जो आर्थिक नीतियां रही हैं और साथ ही जो मिलिट्री पॉलिसीज रही हैं, सैन्य नीतियां रही हैं, उससे लोग असंतुष्ट थे। चीन ये कह रहा है आबे के हमले, जो हमला सुबह हुआ उसको बाद चीन की एक और प्रतिक्रिया ये सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जो भले ही उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया जापान के अंदर, लेकिन जापान के लोग उनकी आर्थिक नीतियों और सैन्य नीतियों से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, जब भी किसी इस तरह से पॉलिटिकल पर्सनालिटी के खिलाफ माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है तो इसका अंदाजा जाहिर तौर पर होता है देश के अंदर, और सिक्योरिटी भी उसी तरीके से होती है। जिस तरह से हमले समझा गया शिंजो आबे को, वो साफ साफ बताता है क्योंकि पीएम पद भी वो पहले ही छोड़ चुके थे, तो ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। लेकिन जो ट्वीट है वो ये दिखाता है कि चीन इसको पूरी तरीके से लोगों की असंतुष्टि से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की कोशिश ये है, और ये देखिए ट्वीट अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, ट्वीट ये कहता है, ये दूसरा ट्वीट है ग्लोबल टाइम्स का, ये भी मैं आपको बता दूं, पहला ट्वीट भी हमने आपको दिखाया था, दूसरा ये है जिसमें लिखा हुआ है कि भले ही शिंजो आबे बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने पीएम के तौर पर काम किया, लेकिन एंटी आबे यानी कि उनके खिलाफ जो पब्लिक का ओपिनियन है वो भी हमेशा जापान के अंदर रहा है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि उनका जो डिससैटिस्फैक्शन रहा कि जो असंतुष्टि रही है वो अगर इकोनॉमिक हालात को हम देखें, अगर अर्थव्यवस्था को देखें वो, और इसके अलावा जो मिलिट्री पॉलिसीज रही हैं जो डिफेंस को लेकर के, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सशक्त करने की दिशा में शिंजो आबे ने हमेशा काम किया है अपने जब वो पीएम पद पर थे, उससे भी नाराजगी लोगों को रही है। प्रभु दयाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये सवाल, जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स एक के बाद एक लगातार ये ट्वीट कर रहा है, वो ये कहते हैं कि लोगों के अंदर नाराजगी थी, काफी वक्त हो चुका है प्रभु दयाल जी जब उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, अगर इतनी नाराजगी इतनी थ्रेट होती तो सुरक्षा भी उतनी कड़ी होती। देखिए चीन जो कहना चाह रहा है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स तो चाइना का माउथ पीस है, चीनी सरकार जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स कहता है, तो अगर ग्लोबल टाइम्स इस तरह के ट्वीट कर रहा है तो वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो शिंजो आबे पे अटैक हुआ इसके कई फंडामेंटल रीजंस थे, कई बैकग्राउंड रीजंस थे जिनकी वजह से हुआ। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि चीन जो है वो इस अटैक के रीजंस सामने लाने की वजह से ये साबित कर रहा है कि ये शायद सही अटैक था। चीन के जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से ये बात दर्शाती आई है कि जो लीडर्स चीन के खिलाफ खड़े होते हैं वो चीन को कतई मंजूर नहीं होते। तो शिंजो आबे के तो खिलाफ हो ही गया था चीन, और इस तरह के ट्वीट जो हैं ये जाहिर करते हैं कि जो चीन है इनमें वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उससे इसको बेसिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सर, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है चीन, इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहा है चीन। चीन का ये कहना है कि लोगों में नाराजगी थी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमले से जुड़ी हुई है, के बाद एक लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शिंजो आबे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, क्रिटिकल बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है, हालांकि बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, अस्पताल में खून उन्हें चढ़ाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर जानकारी अमित हमें ज्यादा देंगे। अमित, क्या अभी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो इस वक्त पता चल रहा है अभी भी हालत बेहद नाजुक है। देखिए, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पे जब उनको ले जाया गया, तो इस दौरान ब्लीडिंग भी हुई है, ये भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा खून का रिसाव भी हुआ है। और दूसरी बात, जो कार्डियक अरेस्ट होने के वजह से वहाँ पर जो कंडीशंस थे, क्योंकि बॉडी जो वहाँ पर जो मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगी तब धीरे धीरे आप रिकवर करने लगते हैं, लेकिन अगर मेडिकल सपोर्ट जो दिया जा रहा है या कोई मेडिसिन अगर आपको दिया जा रहा है, अगर उसको वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है रिकवर करना। तो फिलहाल अगर शिंजो आबे की जो हालात है वो ऐसी ही है कि वो अभी उस स्टेटस में पोजीशन पर है जहां पर उनका बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज उनके साथ जो एक तरह से वो अभी आप कह रही तो वेंटिलेटर पर है, उनको वेंटिलेटर के दौरान उनको जो तमाम सपोर्ट दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, जो उनके उनके जो बीपी और वो है वो बहुत ही डाउन चला गया है। तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत ये हो रही है कि जब तक बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कोई भी तरह का मेडिकल जो असिस्टेंस होगा वो उसका फायदा उनको नहीं होगा। तो इसीलिए अभी कोशिश ये की जा रही है कि पहले उनके अंदर जो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करे ताकि जो उनको एक रिकवरी मोड पे लाया जा सके, और यही वजह सबसे बड़ी है। कोशिश है कि भले ही थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन वो रिकवर कर जाए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस वक्त किया जा रहा है अस्पताल के अंदर। प्रभु दयाल जी,
चीन दरअसल इसे जस्टिफाई कर रहा है, चीन इसे सही ठहरा रहा है अपने ट्वीट के जरिए। जिस तरीके से चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिसी से लोग नाखुश थे, अगर नाखुश होते तो अटैक तो पहले होता जब वो पीएम थे, अब जब वो एक्टिव राजनीति में थे ही नहीं, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे थे, तब ये अटैक क्यों होता? चीन जो भी कहे, ये बात जाहिर होती है कि चीन को एक तरह से खुशी है इस अटैक पर, तभी वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तभी चीन कह रहा है कि बहुत से ऐसे वजह थे जिनकी वजह से जापान में कुछ जो लोग थे, कुछ ग्रुप्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वो शिंजो आबे से नाराज थे। तो चीन वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जस्टिफाई करने की, और इस बात से ये बात दर्शाई जा सकती है कि चीन जो है वो शिंजो आबे के खिलाफ रहा था। और चीन जो है वो, मैं क्या बताऊं, कुछ भी कहा जा सकता है। क्या इसमें चीन का हाथ है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अटैक किया? भाई बड़े सवाल उठेंगे, और जो जापानीज जापानीज अथॉरिटीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उससे भी पूरी बात सामने आएगी। लेकिन जहां तक चीन के ये जो बयान हैं और जो ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट हैं, इनसे जो ये बात दर्शाई जाती है कि चीन वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो इससे ये भी बात जाहिर होती है कि चीन इस अटैक को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, जस्टिफिकेशन चीन की तरफ से दिया जा रहा है मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए। अमित, कौन कौन सी आशंकाएं चीन की तरफ से जताई गई हैं, जरा आप ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि चीन को जो आशंका है वो इस बात की है कि एंटी चीन जो स्टैंड रहा है शिंजो आबे का, अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इसे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जापान की बात छोड़ दीजिए, अभी से ही पूरे दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से एंटी चीन एक तरह से वो लगातार इस मुहिम में लगे हुए थे, और जो क्वाड है, सबसे बड़ी बात कि क्वाड को जो बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, और जिस तरह से भारत को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान चारों एक प्लेटफॉर्म पर आए, और उस दौरान जो इंडो स्पेसिफिक में जो लगातार उनका दायरा बढ़ रहा था चीन को, उसको कटेल करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये वजह है, एक मान सकते हैं, जिसको लेकर चीन नाराज था। और ऐसे में कि चीन की तरफ उंगली ना उठे, चीन ने, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में वो वॉर शुरू कर दिया है, एक तरह से माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि ये जो हुआ है, ये जो गोलीबारी हुई है, ये जो हमला हुआ है, उसमें किसी और का नहीं, कोई अगर सोच रहा है कि चीन इसमें है, तो आप कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति चीन की है। बिल्कुल, इसे दूर रखने की, कहीं इसका कोई कनेक्शन इससे ना जुड़ता हुआ दिखाया जाए, वो इंटरनली जो पॉलिसीज को लेकर के नाराजगी रही है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है।